नक्सल प्रबण अंचल देवदूत साजिले जणे जवान जणे प्रसव महिला भारत बोही दीर्घ 12 किलोमीटर कादुअ पचपच रास्ता अतिक्रम कले सीआरपीएफ जणे जवान मालकानगिरी छत्तीसगढ़ सीमांत सुकुमा जिले में जवान माने देइछंती मानविकतार परिचय शहे सप्ताह पर छत्तीसगढ़ रे निजर स्थिति को फोन थरे जाहिर करने लगी माओवादी माने आप्राण उद्यम करुथिबा बेले एहाकु भंडूर करबा लागि जवान माने मध्य कुंबिंग ऑपरेशन को जोरदार करिछंती। तबे एहारी मध्य रे सुकुमा जिला अंतर्गत पोटापाली गाँव रे थिबा 212 सीआरपीएफ कैंप रे मुतयन थिबा 208 नंबर कोबरा बाहिनी और एसटीएफ रो जवान माने ऑपरेशन लागि जंगल को जाउथिबा समय रे बेटीमाया नामक जणे आदिवासी महिला प्रसव जंत्रणारे छटपट होउथिबा ग्रामवासी कठारु जानिबा को पाइथिले। परे जवान माने नक्सल ऑपरेशन बंद करि तुरंत आरंभ करथिले महिलांको जीवन बचाओ ऑपरेशन। रास्तारे लैंड माइन रो भय न करि जवान माने महिलांको भाररे बोही बोही पोटापाली सीआरपीएफ कैंप को आनिथिले। सेठारे जवान को लागिथिबा डाक्टर एही प्रसव महिलांको प्राथमिक चिकित्सा आरंभ करथिले, किंतु महिला जणंकु पीड़ा अधिक होउथिबा देखि महिलांको उत्तम चिकित्सा लागि 208 सीआरपीएफ कोबरा रो कमांडेंट राजेश पुटांको निर्देश रे जवान माने एक घरोई गाड़ी रो व्यवस्था करी महिला जणंकु तेलंगाना रो भद्राचलम हॉस्पिटल को नेथिले। बेटीमाया नामक प्रसव रे पीड़ित महिला एक कन्या संतान को जन्म देथिले। तबे सही समय रे महिला जणक हॉस्पिटल पहुंच परिथिबारु प्रसव परे महिला ओ नवजात शिशु कन्या को स्वास्थ्यावस्था सुस्थ रहिथिबा मेडिकल कर्तृपक्ष सूचना देछंती। पोटापाली ग्राम रे नूतन करी खोलिथिबा हे सीआरपीएफ कैंप को माओवादी माने लगातार विरोध करथुबा बेले जवान माने दृढ़तार सह निजर कर्तव्य जारी रखिछंती। तबे एहारी मध्य रे एबे मानविकता देखाइथिबारु पुणी थरे संपृक्त अंचल रे प्रशंसार पात्र होइछंती जवान। मालकानगिरी सूर्यकांत बेहरा रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।